हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 12th की केमिस्ट्री के लेसन नंबर 12, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले टॉपिक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल निम्न यौगिकों से क्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें एसिटिक अम्ल की अमोनिया से क्रिया कराना, एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से, एसिटिक अम्ल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से और एसिटिक अम्ल की फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से क्रिया करानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अमोनिया से क्रिया कराते हैं। तो हम अमोनिया को देखते हैं कि अमोनिया से जो क्रिया होती है वो टू स्टेप में होती है। अगर हम एसिटिक अम्ल ले CH3COOH और प्लस इसकी अभिक्रिया किससे कराए, अमोनिया से NH3 से, तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और यहाँ तीन के बदले कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, चार। और इस कंडीशन में अमोनियम आयन बन जाएगा और ये एसीटेट आयन बन जाएगा। ये प्लस माइनस आपस में ज्वाइंट होकर क्या बना लेंगे, अमोनियम एसीटेट, और इस तरह हमें मिलेगा अमोनियम एसीटेट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से दो हाइड्रोजन लेगा, ठीक है, H2 आउट हुए तो यहाँ पे दो ही हाइड्रोजन बचे और इस एक ऑक्सीजन ले लेगा और इस तरह से बन जाएगा H2O। तो ये निकाल दिया H2O और ये हमारे पास बच गया CH3CONH2, मतलब एसीटामाइड हमें प्राप्त हुआ। अब अगली रिएक्शन देखते हैं, एसिटिक अम्ल की किससे क्रिया, एथिल एल्कोहल के साथ में क्रिया करवाते हैं। तो सिंपल अभिक्रिया, इसमें सिर्फ पानी का अणु क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, CH3COOH प्लस C2H5OH। अब यहाँ से आप एक H ले लो और यहाँ से ले लो OH, ठीक है, और इस तरह पानी बना दिया H2O। अब ये एसीटेट आयन हमने ऊपर वाली अभिक्रिया में भी देखा कि CH3COO को क्या बोलते हैं, एसीटेट, और ये एथिल ग्रुप है तो ये दोनों आपस में ज्वाइंट होकर बना लेंगे एथिल एसीटेट और इस तरह ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं, PCl5 से क्रिया। तो PCl5 से क्रिया कराते समय आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले रिएक्शन में आप POCl3 बाहर निकाल दो। ठीक है, बेसिक फंडा है, किसी की भी अभिक्रिया अगर आप PCl5 से कराते हो तो आपको सबसे पहले POCl3 को क्या करना है, बाहर करना है। तो अब हम देख लेते हैं इसको, ये हमने लिया CH3COOH और प्लस इसकी अभिक्रिया करी PCl5 के साथ। तो सबसे पहले बेसिक रूप से हम P और एक ऑक्सीजन और यहाँ से तीन क्लोरीन को बाहर निकाल देंगे POCl3 के रूप में। अब यहाँ पे कितने क्लोरीन बचे, दो क्लोरीन बचे, तो सिंपल सा फंडा दिखाई दे रहा है, एक क्लोरीन HCl के साथ जुड़, H के साथ जुड़ के HCl बना लेगा और एक क्लोरीन CH3CO ग्रुप के साथ जुड़ के CH3COCl बना लेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया CH3COCl, CH3COCl, HCl, ठीक है, ये इसको ये कहलाता है एसिटिल क्लोराइड। अब अगली रिएक्शन देखते हैं, P2O5 से क्रिया। तो P2O5 से क्रिया में बेसिक फंडा ये है कि P2O5 और सांद्र H2SO4 जो रहते हैं वो जल के अणु को बाहर निकालते हैं। तो अगर ये अणु हमने दो बार लिया है तो हम देख लेते हैं CH3COOH, इसके दो अणु ले लीजिए आप CH3COOH, और जैसे P2O5 से क्रिया कराओगे तो एक H और एक OH क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, H2O को बाहर निकालना। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए आप, इसको यहाँ से हटा दीजिए इस तरह से, ये देखिए CH3CO, कितने बचे, दो और एक ऑक्सीजन बची। तो इन दोनों ग्रुपों को हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को बीच में लाकर कनेक्ट कर देंगे इन दोनों को आपस में, और इस तरह से हमें मिलेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।